दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इसका पार्ट टू देख लें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। पार्ट टू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो लिंक मैंने कमेंट में भी पिन कर दी है। तो जाइए, जाके पहले पार्ट टू देखिए, और अगर आपने पार्ट टू देख लिया है तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ओ मुन्ना, तुझे मजा तो आया ना? हाँ भैया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच भैया। चल अब हम घर चलते हैं। हाँ भैया, ये चलिए ले, हम चलिए। पहुंच अरे भी गए। भैया, आप आगे निकल आए हैं। अरे मुन्ना सॉरी, मैं भूल जाता हूँ मेरा घर कहाँ है। हाँ भैया, जल्दी मोड़िए। अरे ये तो गलत फंस गई। ये ले मुन्ना, हम मुड़ गए। अरे वाह भैया, क्या मोड़ी आपने गाड़ी। आओ, मैं बहुत पिरा हूँ मुन्ना। चल मुन्ना, भैया गाड़ी हल्की सी पीछे लगाई है। चल तू कहता तो लगा ही देता हूँ। तू मुन्ना बैठता क्यों नहीं है एक बार में? सॉरी भैया। चल अब हम कुछ खा लेते हैं। हाँ चलिए भैया। भैया रुकिए, पहले ज़रा मेरी बात सुनिए। सुना मुन्ना। हे भैया, हम खाना तो खा लेंगे, पर आपने ये सोचा कि हमारी गाड़ी ख़राब कैसे हुई? ओ मुन्ना, ये तो मैं भूल ही गया था। अच्छा हो तूने याद दिला दिया। हाँ भैया, हमें पता लगाना पड़ेगा, वरना कोई हमारी ये नई वाली गाड़ी भी ख़राब कर देगा। ओ मुन्ना, ये तो मैं भूल ही गया था, हमें जल्दी से जल्दी पता लगाना पड़ेगा। पर हम पता लगाएंगे कैसे? भैया हमारे घर के पर एक सीसीटीवी कैमरा है ना। ओ ये तो मैं भूल ही गया था। भैया आप हर चीज़ भूल जाते हो, मुझे आपको सब कुछ याद दिलाना पड़ता है। ओ मुन्ना मुझे माफ़ कर दे। चलिए हम टीवी रूम में चल के अपनी फुटेज देखते हैं कैमरे की। चल मुन्ना चलते हैं, आ जा मेरे पीछे। चल मुन्ना, ये तो मैं पहुंचने ही वाला हूँ, तू कहाँ रह गया? भैया मैं आपके पीछे ही हूँ भैया। अच्छा, मैं तो देख ही नहीं पा रहा पीछे। आ जा मुन्ना, ये तो मैं तो पहुंच गया, चल देखते हैं। हे भैया, मैंने रिकॉर्डिंग इस टीवी स्क्रीन में लगा दी है, चलिए अब दोनों देखते हैं बैठ के। हाँ देखते हैं, देखते हैं हमारी गाड़ी किसने खराब की। चलो चालू करो। लीजिए भैया। ओए मुन्ना, ये तो शिनचैन और फ्रैंकलिन है। हाँ भैया, ये दोनों हथियार के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा भैया। ओ ये तो हमारी गाड़ी खराब कर रहे हैं। अरे भैया तो ये है क्या, इन्होंने असलियत में हमारी गाड़ी खराब करी? ओए मैं इनको चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। चल मुन्ना तू मेरे साथ चल, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। हाँ भैया चलिए चलते हैं। ओए मुन्ना गाड़ी में बैठ। चलिए भैया, आज तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है। जल्दी आ मेरे पीछे पीछे। आ रहा हूँ भैया। कहाँ रह गया तू? आ रहा हूँ भैया। तू इतना स्लो क्यों चलता है? भैया सॉरी भैया, आ रहा हूँ, तेज आ रहा हूँ। जल्दी आ तो फिर, जल्दी बैठ आके गाड़ी में। हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बैठ रहा हूँ भैया, चलिए। ओ मैं तो बैठ भी गया, तू आ गया, जल्दी बैठ जल्दी। हाँ भैया बस बैठ गया। चलिए भैया आज उनकी हम छुट्टी कर देंगे। ओ मुन्ना, अब ये गड्डी तो सीधे उनके घर पे ही रुकेगी। हाँ भैया सीधा वहीं रोकना। ओ हम तो थोड़े आगे निकल गए मुन्ना, पीछे लेना पड़ेगा। भैया पीछे लीजिए, उनका घर पीछे है। अरे अभी लेता हूँ, रुक जा। चल चलिए भैया। हम मुन्ना पहले हम देख के आते हैं ये लोग कर क्या रहे हैं, तू चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलियो। हाँ भैया मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। हाँ तो हम दीवार से कूद के चलते हैं, आ जा। दीवार से कूद के? ठीक है भैया। आ जा कूद जल्दी, ऐसा चढ़ियो मेरी तरह। हाँ भैया बिल्कुल ऐसे चढ़ूंगा, आप चलिए आगे, मैं आ रहा हूँ चुपचाप। और चुपचाप चलियो, ये लोग तो यहीं बैठे हैं। अरे तू पेड़ के पीछे आना, उधर क्या कर रहा है? हाँ भैया मैं आ रहा हूँ। ओ हमारी गाड़ी उड़ा की, दोनों तो आराम से धूप सेक रहे हैं। चल अब इन्हें मजा चिखाते हैं। हाँ भैया चलिए, आ जा मेरे पीछे। हाँ भैया आ रहा हूँ, चलिए। ऐसे करके आइयो मुन्ना, ऐसे करे कूदियो, ठीक है ना? हाँ भैया बिल्कुल ऐसे आऊंगा। जल्दी आना मुन्ना, तू तो रह जाता है। आ गया भैया, बस आ गया। हाँ चल आ जा। भैया हमारी गाड़ी कहाँ गई? ओ मैंने अपनी गाड़ी ना ड्राइवर से घर भिजवा दी है। अच्छा भैया ठीक है, चलते हैं। ठीक है भैया, चलो चलो भैया हम इनको सबक सिखाते हैं। अब हम इनकी गाड़ी फाड़ देंगे, चलो आ जाओ। भैया अगर हम इनकी गाड़ी फाड़ देंगे तो इनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा भैया? ओ ये तो तू सही बात कह रहा है, तो बता हम क्या करें? हम भैया इनकी गाड़ी चुरा लेते हैं और इनको जब तक सबक नहीं आएगा तब तक वापस नहीं लौटाएंगे। ओ ये तो तूने अच्छी बात की मुन्ना, चल चलते हैं, आ जा। चलो भैया।
जल्दी बैठ आ जा मुन्ना, ऑनलाइन को पता चल जाएगा। हाँ भैया बस चलते हैं, जल्दी चलिए भैया। ओ मैं जल्दी निकलना चाहता हूँ, ये बाहर ना आ जाए। चलिए भैया चलिए, अब हम ओ हम तो अपने घर पहुँचने वाले हैं, जल्दी चलो। चलिए चलिए। ओ हम पहुँच गए। ओ मुन्ना हम इनकी गाड़ी तो ले आए, अब तू बता हम इसका करेंगे क्या? भैया अगर हम इसे यहाँ ऐसे रखेंगे तो वो लोग पहचान जाएंगे, हमें इसको मॉडिफाई कराना होगा। ओ तूने सही कहा, मैं रमेश भाई को फ़ोन करके कहता हूँ कि वो इसे मॉडिफाई कर दें। हाँ भैया, पर रमेश भैया अगर यहाँ मॉडिफाई करने आएंगे तो उन लोग को दिख जाएगा शिनचैन और फ्रैंकलिन को, हमें कुछ और करना पड़ेगा। ओह तो हमें इसे उन्हीं के पास लेकर चलते हैं। हाँ भैया, हाँ भैया ये अच्छा आइडिया है, चलिए चलते हैं। चल आ जा बैठ गाड़ी में। चलिए भैया मैं बैठ गया हूँ। तू कहाँ बैठा है, तू तो अभी भी खड़ा हुआ है। अरे भैया मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। चल मुन्ना चलते हैं, आ जा। चलिए भैया, लेकिन हमें उनसे बच के चलना पड़ेगा। हाँ भैया चल जल्दी से निकल, चलते हैं यहाँ से। चलिए चलिए। ओह मैंने तो किसी को उड़ा दिया, सॉरी मुन्ना। अरे भैया अब तो केस हो जाएगा। अरे ऐसे थोड़ी हो जाएगा मेरे पे, मैं भी फौजी हूँ। अरे भैया ठीक है फिर, चलिए जल्दी चलिए, आप स्लो भी चला रहे हैं। अरे ये इसने रास्ता रोक दिया मेरा, चल चलते हैं। चलिए भैया आ जा। चल अब तो थोड़ी ही दूर है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं मुन्ना। अरे भैया आप इतना ठोक क्यों रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। सॉरी मुन्ना, वो कभी कभी हो जाता है एक्साइटमेंट में। एक्साइटमेंट किस चीज़ की भैया? हमने कार चुराई है ना, इसकी एक्साइटमेंट। ये एक्साइटमेंट वाली बात थोड़ी है भैया। तो अरे भैया आप गलत रास्ते पर आ गए हैं। वो तो हम मुड़ जाते हैं ना, तू भी यार बहुत टेंशन लेता है मुन्ना। हाँ भैया हमने डस्टबिन उड़ा दिया मुन्ना। भैया अभी भी गलत रास्ते पे भैया। अरे यार मुन्ना, अरे हाँ इस वाले में जाना है मुन्ना। ये वाली गली है भैया, इसी में चलते हैं, रुक जा अब पता चल जाएगा हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं। हाँ भैया चलिए। वो हम सही रास्ते पे हैं। हाँ भैया चल चलते हैं। चलिए भैया जल्दी रमेश भाई के पास चलिए। अरे सॉरी मुन्ना मैंने फिर से कह दी। भैया आपको गाड़ी चलाना ही नहीं आती मुझे लगता है। अरे वो तो मैं ऐसे ही सीख गया हूँ गलती से। भैया हम फिर से गलत रास्ते पे आ गए मुन्ना, सॉरी मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ। अरे चलिए भैया चल अब हम पहुँचने ही वाले हैं, ये देख बस थोड़ी दूर है। अरे भैया सॉरी मुन्ना, मैं बहुत ज़्यादा बेकार ड्राइवर हूँ। हाँ भैया मुझे पता है, कुछ नई बात बताइए। ओह ये तो तुझे पता ही थी, मैंने तुझे गलत बात बता दी। ले मुन्ना हम पहुँच गए रमेश भाई के पास, अब इनसे हम कार सही करवाते हैं। हाँ भैया चलिए, चलो इनसे थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ भैया। ओ भैया आप कौन हो, रमेश भाई किधर हैं? ए जैक मैं तुम्हें जानता हूँ, रमेश भाई ने मुझे तुम्हारे बारे बताया, रमेश भाई ज़रा बाहर गए हैं काम से, मैं उनका भाई सुरेश हूँ। बताओ अच्छा। बताओ तुम मुझे क्या काम है? मुझे ये कार मॉडिफाई करानी है जैसे मैंने पहले कराई थी। कैसे मॉडिफाई करानी है, इसमें क्या चेंज करानी है? इसका पूरा होलिया बदल दो, ये पहचान में नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है ठीक है जैक, जैसा तुम बोलो। ए भैया इसका प्लीज़ नीला कलर करा दो ना। चल तू कहता है तो नीला करा देते हैं। सुरेश भाई इसका कलर नीला कर देना, ठीक है? हाँ जैक मेरे भाई बिल्कुल, मैं नीला कर दूंगा। और ये हमें कब तक मिलेगी? ये तुमको आज शाम तक मिल जाएगी। ठीक है चल हम फिर शाम को ही आते हैं। ठीक है अभी हम दोनों चलते हैं। चलो चल मुन्ना मेरे पीछे आ जा। चलिए भैया जल्दी आना मुन्ना, तू पीछे रह जाता है बहुत। आ रहा हूँ भैया। तू तो मटक मटक के आ रहा है मुन्ना। भैया आ रहा हूँ, भाग के आ रहा हूँ भैया। चल मुन्ना अब चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है, एक टैक्सी कर लेते हैं आ जा। हाँ भैया चलते हैं, मेरे को भी नींद आ रही है, चलिए भैया टैक्सी में ही चलते हैं। आ जा जल्दी, ये रही टैक्सी हमारी, चल बैठ जल्दी। बैठ रहा हूँ भैया। ओ मुन्ना तू कहाँ रह गया? आ रहा हूँ भैया आ रहा हूँ, मेरे पैर में कांटा लग गया ज़रा। तू तो अभी भी नहीं आ पाया। आ गया भैया बस। बैठ जल्दी बैठ। बैठ रहा हूँ भैया। चल चलते हैं। चलिए भैया अब हम सोएंगे। चलो शिनचैन कुछ खाने चलते हैं, मैं तो सो सो के थक ही गया हूँ। हाँ भैया चलिए मैं भी चोको चिप्स खाऊंगा, मेरा भी चोको चिप्स खाने का मन कर रहा है। ही 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 ही। तो चलो चलते हैं आ जाओ। चलिए भैया फ्रैंकलिन भैया रुकिए मैं भी आ रहा हूँ।
चलो शिनचैन चलते हैं, आ जाओ। शिनचैन तुम कहाँ रह गए? वो हमारी गाड़ी कहाँ गई? शिनचैन भैया यही तो खड़ी थी, हमारी गाड़ी कहाँ गई? अब तो नहीं है ना, पर क्या कर सकते हैं, लगता है हमारी कार चोरी हो गई। नहीं भैया, वो मेरी फेवरेट गाड़ी थी, हमने होगी और जैक की गाड़ी खराब करी, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। जो बुरा करता है उनके साथ बुरा ही होता है, अब हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है शिनचैन, तुम कहते हो तो आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। चलिए भैया, हम होगी और जैक से चल के माफी मांगते हैं। चलो चलते हैं। चलिए भैया, अब गाड़ी तो है नहीं, अब पैदल ही चलना पड़ेगा। ऐसे तुम थक जाओगे, कोई नहीं, चलो चलते हैं, आ जाओ। चलिए भैया, मेरे पीछे आओ, चलो चलो जल्दी आओ शिनचैन। चलिए फ्रैंकलिन भैया, चलो जल्दी चलो, आओ चलते हैं, माफी मांगते हैं उनसे। चलो शिनचैन, हम घर पे पहुंच गए होगी और जैक के, चलो आओ चलते हैं। भैया आप बेल दबाइए, मेरा तो बेल तक हाथ नहीं पहुंचेगा। चलो मैं दबाता हूँ। ओए मुन्ना। हाँ भैया। देख क्या कोई गेट पे है? हाँ भैया, मैं देख के आता हूँ, और मैं नींद में हूँ भैया। जल्दी जा, मुझे भी नींद आ रही है, सोने देंगे वो मुझे। चल जल्दी जा। ओए मुन्ना जल्दी जा ना। हाँ भैया, जा रहा हूँ जा रहा हूँ भैया। कौन है भाई, इतने दोपहर को, देख के आता हूँ। ये कौन से रास्ते पे आ गया मैं? यहाँ से रास्ता तो है ना। कौन है भाई? अरे फ्रैंकलिन और शिनचैन, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? ओगी, मैं और शिनचैन तुमसे माफी मांगने आए हैं, क्योंकि तुम्हारी जो गाड़ी खराब हुई थी वो हम दोनों ने की थी। आज हमारी गाड़ी भी चोरी हो गई, तो हमें पता चल रहा है कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, तो हो सके तो हमें माफ कर देना। हाँ हाँ ओगी भैया, प्लीज हमें माफ कर देना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो हमने किया है, आगे से हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हे फ्रैंकलिन और शिनचैन, मुझे और भैया को पहले ही पता चल गया था कि गाड़ी तुम दोनों ने ही खराब करी है। लेकिन ओगी भैया, आपको कैसे पता चला था? हे शिनचैन, छोटे बच्चे हो क्या? हमारे घर के बाहर CCTV कैमरा लगा हुआ है, मैंने और भैया ने उसमें ही देखा था, तभी हमें पता चल गया था। और तुम्हारी जो गाड़ी चोरी हुई है वो असल में चोरी नहीं हुई, मैंने और भैया ने उसे चुरा के मॉडिफाई करवा दिया था। मुझे खुशी हुई कि तुम दोनों को अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए जैसे ही गाड़ी अपग्रेड होके आएगी मैं तुम दोनों को वो गाड़ी वापस कर दूंगा। थैंक यू सो मच ओगी भैया, आप कितने अच्छे हो। थैंक यू ओगी, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया तब भी तुम हमारे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे हो, हमारी कार मॉडिफाई कराने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं शाम को तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे घर पे पहुंचवा दूंगा। तो चलो शिनचैन, हम घर चलते हैं, और ओगी एक और बार थैंक यू। ओए मुन्ना। हाँ भैया। सुरेश भाई का कॉल आया था, वो कह रहे हैं कि गाड़ी अपग्रेड हो गई है, चल चल के ले आते हैं। अरे बहुत बढ़िया भैया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने कलर की गाड़ी देखने के लिए, तो चल चलते हैं। भैया पर हम जाएंगे कैसे? ओ मुन्ना तू उसकी फिक्र मत कर, मैंने बाहर टैक्सी मंगवा ली है, हम उसी से चलेंगे। अच्छा भैया ठीक है भैया, आजा मेरे पीछे। आप कब से इतने समझदार हो गए भैया? मैं बहुत समझदार हूँ मुन्ना, पर मैं दिखाता नहीं हूँ, मेरा फौजी का दिमाग है। चलिए भैया, आजा मुन्ना। आई एम सो एक्साइटेड भैया। ले मुन्ना हम पहुँच गए। ओ मुन्ना चल मेरे पीछे आजा, जल्दी चल। हाँ भैया आ रहा हूँ आपके पीछे पीछे। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अपनी नई गाड़ी देखने की। ओ मुन्ना ये देख हमारी नई गाड़ी, जल्दी भाग क्या। हाँ भैया आया अभी आया। जल्दी है जल्दी। आ गया भैया। वो देख सुरेश भाई अपनी गाड़ी के साथ खड़े हुए हैं। वो देख। अरे भैया ये हमारी गाड़ी है क्या? सुरेश भाई आपने फोन किया था, मैं आ गया, क्या ये गाड़ी हमारी है? हाँ जैक यही है तुम्हारी गाड़ी। आपने तो ये गाड़ी बहुत अच्छी कर दी है, एकदम मुन्ना कलर की लग रही है। मुन्ना तू होता है कैसी लग रही है? भैया बहुत अच्छी लग रही है, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अपने पास रख लूँ। ये अपने पास से मतलब क्या है तेरा, ये अपने पास ही रखेंगे गाड़ी। नहीं भैया मुझे आपको कुछ बात बतानी है, मैं चलते समय आपको रास्ते में बताऊंगा। ठीक है मुन्ना तू रास्ते में बताइयो। जैक उम्मीद है तुम्हें मेरा काम पसंद आया होगा। ओ सुरेश भाई मुझे आपका काम बहुत ज्यादा पसंद आया, आपने ये गाड़ी तो हमारी पुरानी वाली गाड़ी से ही बहुत अच्छी कर दी है। अरे जैक शुक्रिया शुक्रिया। तो जैक इसका पेमेंट हुआ
6,500 रुपये तो मुझे कैश दोगे या बैंक में ट्रांसफर करोगे? बस 6,500 ये तो मैं आपको बैंक में तुरंत ट्रांसफर कर दूंगा। ये लीजिए, ओ भी गए, मैं बहुत तेज हूँ। हाँ जैक, मैं अभी चेक करता हूँ। हाँ जैक, हो गए। चलो बाय बाय। चलो अब हम भी चलते हैं ये गाड़ी लेके, थोड़ी हम राइड कर लें इसमें। हाँ खूब शौक से राइड करो। शुक्रिया सुरेश भाई, एक और आखिरी बार। चल मुन्ना बैठ जा। हाँ भैया चलिए चलिए, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ बैठने को। हाँ मुन्ना बता, तू क्या बता रहा था मुझे? जब आप दोपहर में सो रहे थे ना भैया। हाँ बता। तब फ्रैंकलिन और शिनचैन आए थे। अच्छा वो क्या कह रहे थे? वो लोग की गाड़ी होने लगा, उनकी गाड़ी चोरी हो गई है। और वो लोग बहुत उदास थे, तो वो अपने पछतावा कर रहे थे अपनी गलती का और मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। सच में? हाँ भैया। तो तूने क्या कहा? भैया मैंने उनको माफ़ कर दिया, और मैं सोचता हूँ अगर उनको अपनी गलती का पछतावा है तो ये गाड़ी हम उन्हीं को दे देते हैं। शिनचैन वैसे भी बहुत रो रहा था, वो बेचारा खुश हो जाएगा। वो तो छोटा बच्चा ही है ना। चल तू मुन्ना, तू कहता है तो ये गाड़ी हम उन्हें दे ही देते हैं। भैया आप ये गाड़ी सीधा उनके घर के बाहर ले लीजिए, वो घर के अंदर होंगे और हम गाड़ी उनके घर के बाहर खड़ी करके डोरबेल बजा के भाग जाएंगे, तो वो लोग सरप्राइज हो जाएंगे और बहुत खुश हो जाएंगे। ओ मुन्ना ये तो तू सही कह रहा है, चल हम ऐसा ही करते हैं, आ जा। चलिए भैया चलते हैं। ये ले हम पहुंच भी गए उनके घर पे, आ जा डोरबेल बजा के भाग चलते हैं। हाँ भैया। ये ले मैंने डोरबेल बजा दी, मुन्ना जल्दी भाग, वो आ रहे होंगे। हाँ भैया चलिए चलिए जल्दी भागते हैं। चल चल जल्दी चलते हैं। ओ जल्दी आ मुन्ना, वो लोग आने वाले होंगे। शिनचैन ये डोरबेल किसने बजाई? पता नहीं फ्रैंकलिन भैया, जाके देखिए ना आप। चल मैं देख के आता हूँ, तू कह रहा है तो। चलिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ। चल आ जा। ओ बाहर तो कोई नहीं है। ओ शिनचैन ये देखिए क्या है। क्या है फ्रैंकलिन भैया? ओ ये कार अपनी तो नहीं है? हाँ फ्रैंकलिन भैया। ओ ये तो एकदम नया सी हो गई है। हाँ फ्रैंकलिन भैया ये तो बिल्कुल जैसी मुझको पसंद है वैसी है। ये शायद ये होगी और जैक ने तो नहीं किया। हाँ भैया शायद ये होगी और जैक रख गए और हमें सरप्राइज करने के लिए बेल दबा गए। हाँ हाँ शिनचैन तुम शायद सही कह रहे हो। अरे फ्रैंकलिन भैया हमने उनके साथ कितना बुरा किया, तब भी उन्होंने हमें अपनी कार अपग्रेड करके दी। हम प्रॉमिस करते हैं हम दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, है ना फ्रैंकलिन भैया? हाँ शिनचैन तो चल अब हम इसमें बैठ के एक राइड लेके आते हैं। चलिए भैया। ओ शिनचैन ये कार तो बहुत अच्छी चल रही है। हाँ फ्रैंकलिन भैया क्योंकि इसमें मैं बैठा हूँ ना, अब मैं क्या करूँ मैं इतना खास जो हूँ। ओ इसके सस्पेंशन भी कितने अच्छे हैं, ये कार तो बहुत स्मूथ चल रही है। हाँ भैया मजा ही आ गया आज तो। हम एक लॉन्ग ड्राइव पे होके आते हैं, चल चलते हैं। चलिए फ्रैंकलिन भैया। फ्रैंकलिन और शिनचैन तो निकल गए लॉन्ग ड्राइव पे, पर जो ऑगी ने करा अगर आपको वो अच्छा लगा तो आप भी एक अच्छा ही करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और बताइए क्या ऑगी और जैक ने सही करा या नहीं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।